लास्ट टाइम हम लोगों ने जो वो 848 का लॉन्ग बाय ग्रोन से मेथड से यूज करके हमने मॉर्निंग की ऑब्जर्व लॉन्ग या मॉर्निंग पोजीशन निकाला हुआ था। अब 1200 आवर या नून पोजीशन हमें निकालना है। तो जो नून पोजीशन हमें निकालना है, तो नून पोजीशन किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो नून पोजीशन के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है दैट वन कि 1200 आवर्स नून पोजीशन। तो इसमें दो मेथड है निकालने के लिए, फर्स्ट और सेकंड मेथड, तो मैं दोनों बता दूंगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, 848 की हमारे पास जो है ऑब्जर्व्ड लॉन्गिट्यूड और DR लैट थी, उससे हमें जो मेरिडियन पैसेज है सन का वो हमें एल्वेनाक से मिल जाता है। तो उधर तक का हमें एक ईपी मान ले, ईपी वी हैव टू पुट। तो वो ईपी जो है वो यहाँ पे आल शो कि हमने 848 का जो DR था वहाँ से ये वाला जो ईपी निकाला है 12 बजे तक का, बट इट इज़ नॉट यूजफुल। तो इसने क्यों 12 बजे का निकाल के फिर उसके बाद वो यहाँ पे 11:29 पे आएगा मेरिडियन पैसेज, तो उसके बाद इसमें अपोजिट कोर्स मार के और ईपी निकाला है। तो इससे अच्छा है कि व्हाट वी डू, 8:48 हमें पता है टाइम, वहाँ की पोजीशन पता थी, हमने LMT निकाल लिया कि मरपास का कब है, LIT लगा के GMT निकाल लिया, फिर हम लोगों ने ST और ये जो निकाला हुआ है दैट इज नथिंग बट इट इज सेम जो हम निकालते हैं कि LMT में LIT करके GMT निकाल लिया, GMT में से जोन डिफरेंस निकाल के और जोन टाइम, तो हमको वहाँ पे पता चल जाता है। या यहाँ पे भी देख सकते हैं, वी कैन गेट टू नो कि जोन टाइम क्या, जोन डिफरेंस क्या, GMT आ गई, GMT में से फिर हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकाल के इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, तो इन दोनों से वी गेट टू नो कि कितने बजे हमारे लॉन्गिट्यूड पे सन जो है वो मेरिडियन पैसेज आएगा। लेट्स से कि वो 11:29 पे था, तो 11:29 तक की हमें ईपी निकाल लेनी है। तो ईपी मेरिडियन पैसेज ये निकाला हुआ है 2757.4 नॉर्थ, और हमें GMT पता है, तो GMT से हमें डेक्लिनेशन पता चल जाएगा सन का। तो जो हमारे पास ये मेरिडियन पैसेज है, ईपी जो लैट है ये आ गई, तो यहाँ पे ईपी लैट और डेक्लिनेशन, क्योंकि डेक्लिनेशन साउथ है ये नॉर्थ है, तो इसकी हेल्प से MZD निकाल लिया। MZD कैसे निकला हुआ है, MZD जो होता है वो हमेशा बॉडी से लेकर के और ऑब्जर्वर तक होता है, तो बॉडी से चलता है ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में, तो बॉडी जो है वो डेक्लिनेशन पे होगी साउथ, और ये जो है ऑब्जर्वर ये नॉर्थ पे है। साउथ टू नॉर्थ चलेंगे तो हम नॉर्थ ही चलेंगे, तो दैट इज वाई इट इज MZD इज नॉर्थ। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ही बनाया जस्ट टू शो कि या जो सन की डेक्लिनेशन है वो 2137.5 या 37 साउथ है ये, और ये है 3555.5 ये नॉर्थ है, तो ये ऊपर की तरफ गया हुआ है, तो इट इज नॉर्थ MZD। देखिए यहाँ देख सकते हैं कि डेक्लिनेशन साउथ है और हमारी ऑब्जर्व जो आई है लैटिट्यूड वो नॉर्थ है, तो ये जो है MZD नॉर्थ हो गया, दैट्स व्हाट। तो हमने कैलकुलेट कर लिया, उल्टा बैक कैलकुलेशन कर ली, ईपी लैट जो 11:29 की थी उसे लेके, डेक्लिनेशन लेके MZD निकाल लिया, ट्रू एल्टीट्यूड टोटल करेक्शन ब्ला 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 ये सब करके, और ये सेक्शन एल्टीट्यूड फाइनली निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 11:29 से 15-20 मिनट पहले जो सेक्सटेंट एल्टीट्यूड हमारा आया हुआ है 42°13.2 मिनट्स, उसको हम सेट कर लेंगे। सेट करके और उसके बाद जो सेक्सटेंट सन का जो उस टाइम पे 11:29 पे एग्जैक्टली, क्योंकि वो मरपस पे होगा, तो जब वो मेरिडियन पैसेज पे होगा तो वी कैन गेट टू नो, क्योंकि वो स्विंग करके और जो भी मेथड्स हैं कि जैसे हमें पता लग जाएगा, वो स्टेशनरी हो जाता है कुछ देर के लिए उसके बाद जाता है, तो ये पेंडुलम मेथड यूज करके कि वो सन जो है वो कहीं और नहीं जा रहा, पेंडुलम मेथड से वहीं पे आ रहा है, तो उस टाइम का हम सेक्सटेंट एल्टीट्यूड निकालेंगे। तो 11:43 तो हमने सेट किया हुआ था, मगर जो हमने ऑब्जर्व किया वो था 42 42 मिनट्स 15.1, वो 13 पॉइंट समथिंग था, ये 15.1 हो गया, क्योंकि जो हमने ऑब्जर्व किया वो डिफरेंट हो गया। फिर इन्होंने कोई ऐसा मेथड यूज किया ये वाला, तो ये तो मुझे आता नहीं है, तो मैंने जो हमारे क्लासरूम के हैं वही किया है, क्योंकि आई एम नॉट वेल अवेयर ऑफ दिस। तो हमने मान लिया कि ठीक है, लेट अस अज्यूम जो हमारा ऑब्जर्व सेक्सटेंट एंगल आया वो 42 15.1 ही आया, तो फिर उसको मैंने सीधा यहाँ से कैलकुलेट करके ऑब्जर्व लैट जैसे नॉर्मल निकालते हैं
वैसे निकाल लिया। तो सेक्सटेंट एल्टीट्यूड, इंडेक्स एरर और ऑब्जर्व्ड एल्टीट्यूड, फिर डिप, अपरेंट एल्टीट्यूड। तो ये टोटल करेक्शन जो है ना, आई डोंट हैव द एल्मनैक, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द सेम व्हाट इट इज बीन गिवन ओवर हियर। यहाँ पे जो दिया हुआ था टोटल करेक्शन प्लस 15.2, मैंने इसीलिए सेम डाल दिया। तो बाकी तो इट इज नथिंग यार, कि यहाँ से सेम आके यहाँ पे ऑब्जर्व लैट 20 555.5 मिनट्स नॉर्थ आ गया। ओके, ये आने के बाद हम लोगों ने, ये रहा हमारी ईपी जो 1129 की थी, और ये जो है ये ऑब्जर्व लॉन्ग जो है हमारा, सॉरी ऑब्जर्व लैट जो है वो 1129 का जो हमें मिल गया था। फिर मैंने क्या किया है कि 8 बजे से लेकर के 8:48 जो आवर्स पे जो हमारी लॉन्ग ऑब्जर्व लॉन्ग आई थी उसको रन करके यहाँ पे ला दिया मैंने। अब क्या करना है, इसका भी पीएल ड्रॉ करो, इसका भी पीएल ड्रॉ करो, दोनों का पीएल ड्रॉ करो। दोनों का पीएल जहाँ कटेगा वो आ जाएगी हमारी मोर एक्यूरेट पोजिशन 1129 की। 1129 की पोजिशन मान लेते हैं कुछ ऐसे यहाँ पे जो है वो आ गई थी। अब इसी पे मैंने 31 मिनट्स का रन मार लिया, 31 मिनट्स का रन मार करके और जो पोजीशन आ गई वो नून की आ जाएगी। तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द ईपी ऑफ द नून। अगर ये एग्जैक्टली नून की चाहिए तो जो सन है उसका जो ऑब्जर्व लैट निकले तो वो भी एकदम एग्जैक्टली 1200 आवर्स का ये चाहिए, नहीं तो यही टाइम और यही चीज़ निकल सकती है। फिक्स नहीं, ईपी आ जाएगी नून की 31 मिनट्स में, उतनी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत अच्छी होगी। इट इज़ नॉट कि हम लोगों ने 4 घंटे 3 घंटे या 2 घंटे की हम लोगों ने मारा हुआ है ईपी, तो दैट कैन बी हैविंग अ मिस्टेक, बट हियर द चांसेस ऑफ मिस्टेक विल बी वेरी लेस। तो ये ऑलमोस्ट यही होगा या 0.5 miles प्लस माइनस इधर उधर जो कि हो सकता है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी मोर। जो सेकेंड मैथड है इसी में, दैट इज बाई यूजिंग द, ये वाला है, तो ये वाला टू रीड इट आउट 197 पेज नंबर पे है ये। तो इसमें जो है, इसमें इन लोगों ने क्या किया है कि इन्होंने DR जो हमारे पास 8 बजे का था ये वाला और ये वाला PL, इसी को इन्होंने रन कर दिया है नून तक के लिए। ये रहा नून का हमारा DR लॉन्ग और ये रहा DR लैट, और इसी PL को यहाँ पे पैरेलल मार दिया, और इसी PL पे इन लोगों ने D लॉन्ग कैलकुलेट कर लिए हैं। जस्ट अ सेकंड, इन्होंने डी लॉन्ग्स जो हैं वो ये रहा, लॉन्गिट्यूड करेक्शन जो है ना DR लैटिट्यूड, तो ये डी लैट है, डी लैट इंटू सी कर दिया है, तो डी लैट इंटू सी करके इन्होंने लॉन्गिट्यूड करेक्शंस निकाल लिए हैं। तो जो ये वाला मेथड है इसमें असल में क्या किया गया है, 8:48 का ये था DR लैट, यहाँ पे रन मार दिया, नून का जो है वो हमारे पास DR लैट और DR लॉन्ग आ गया, इस तरीके से ये आ गया हमारे पास। फिर इन्होंने क्या किया, लॉन्गिट्यूड करेक्शन में डी लैट, क्योंकि ऑब्जर्व लैट तो हम निकालेंगे ना, मान लेते हैं ऑब्जर्व लैट ये नॉर्थ वाला था, जो हमने ऑब्जर्व लैट निकाला है यहाँ पे, जो ये वाला नून का पोजीशन आ गया था DR लैट और DR लॉन्ग, और ये वाला जो है हमारा DR लैट और DR लॉन्ग जो है वो 8:48 का था, 8:48 से रन लगा करके नून का हमने DR निकाल लिया, ये आ गया। उसके बाद जो है ये ऑब्जर्व्ड, जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड लैट आया था जो हमने अभी कैलकुलेट किया यहाँ से, विच वन इज दिस वन, ऑब्जर्व्ड लैट 2255.5, जो कि हमारा सेक्सटेंट का ऑब्जर्व्ड एल्टीट्यूड आया था, उसी से सीधा कैलकुलेट करके ऑब्जर्व्ड लैट निकाल लिया ये वाला। तो ये नॉर्थ आया है, तो मैं बस अज्यूम कर लूँगा कि ये वाला जो है ये हमारा है, कि ये वाला ऑब्जर्व लैट आ गया, ऑब्जर्व लैट आ गया, और ये DR हमने नून का मार के रखा हुआ है ऑब्जर्व लैट यहाँ पे। फिर हम ये लॉन्ग बाई क्रोन का, सॉरी लॉन्ग बाई क्रोन बोलो, लॉन्गिट्यूड करेक्शन का जो है ये फॉर्मूला यूज करके, लॉन्गिट्यूड करेक्शन इज इक्वल टू DR लैटिट्यूड ऑब्जर्व लैटिट्यूड, ये इन्होंने सब्ट्रैक्शन, तो ये कुछ नहीं डी लैट ही है। तो ये डी लैट किसका किसका है, दिस डी लैट इज सिंपल इसके और इसके बीच का जो डी लैट है, तो ये डी लैट इंटू ABC से जो C आता है,
ये रहा एबीसी टेबल से जो सी आता है उसको करके और लॉन्गिट्यूड करेक्शन करके, फिर यहाँ से जो आया तो उसी को जो ये लॉन्गिट्यूड आई थी इस लॉन्गिट्यूड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इन्होंने, और कुछ नहीं किया है। तो जो वो लॉन्गिट्यूड से चला गया वहीं से इन्होंने ये वाली पीएल के पैरेलल करके वो पीएल मार दी है। तो ये वाला मेथड ऐसे है जो कि बहुत सिंपलर है, बट किस तरीके इसका इसमें एक्यूरेसी है दैट आई डोंट नो, बट इट इज़ वेरी सिंपल। 8:48 का निकाला, 12 बजे का निकाल लिया डी आर डी एल डी आर लैट डी आर लॉन्ग। उसके बाद हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड करेक्शन लगा के डी लैट इंटू सी ए बी सी कैलकुलेट करके, और यहाँ से हमने इसी लॉन्गिट्यूड को उतना ईस्ट या वेस्ट जहाँ पे भी जैसे आता है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो वो पोजीशन आ गई हमारी नून की। तो मगर इसमें भी जो ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड है वो तो निकालना ही पड़ेगा। सो इट कैन बी ऑल्सो, ये भी एक्यूरेट होगा, ये भी एक्यूरेसी है इसमें भी। इसमें भी अगर जो हमने पहले किया था उसमें हम लोगों ने 2 पीएल मान ली थी कि भैया इसकी भी पीएल ले लेंगे और इसकी भी पीएल ले लेंगे, दोनों की पीएल जहाँ कंबाइन करेंगे वहाँ से फिर हम लोग आराम से 31 की ईपी लेकर के 31 मिनट्स का रन लगा के सॉरी ईपी निकाल लेंगे नून की, ये भी है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन की एग्जैक्टली पता करना है तो यू कैन जस्ट दोनों का जो एक्यूरेसी लेवल है वो देख सकते हैं। मैं तो आई डोंट हैव एनी मीन्स हियर टू फाइंड दिस वन आउट, नहीं तो मैं पता करता का दोनों मेथड। सो जस्ट टू हियर वन मोर टाइम, एक बार और सुन लेंगे तो इट विल बी बेटर वन कि किस तरीके से होगा। नून पोजीशन थी हमारे पास, फिर वहाँ से हम लोग मरपास का टाइम निकाल लेंगे। 8:48 से हमने मर की हमने ईपी निकाली, ईपी निकाल फिर हमें जीएमटी भी इस नॉर्मल की जीएमटी एलएमटी से एलआईटी लगा के जीएमटी मतलब इस वाले मेथड्स को हम मेथड इस मेथड से आराम से निकाल लेंगे। हम जीएमटी भी निकल जाएगा और हमारे पास शिफ्ट टाइम भी निकल जाएगा जब वो मरपास पे होगा सन। वहाँ से फिर हम लोग उसका ईपी लैट निकाल के डेक्लिनेशन निकाल के सेक्सटेंट एल्टीट्यूड इतना निकाल लिया 42:13, फिर इस पे हमने सेट करके रख लिया। जब हमारा 11:29 का टाइम हो गया तो हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व्ड सेक्सटेंट एंगल में मतलब ऑब्जर्व कर लिया सन को पेंडुलम स्विंग एंड ऑल दिस करके। तो जो ये आया हमारे पास ऑब्जर्व्ड सेक्सटेंट एल्टीट्यूड 42:15.1 आ गया, फिर हमने 42:15.1 को सीधा कैलकुलेट कर लिया तो हमें ऑब्जर्व लैट मिल गया। ऑब्जर्व जो आ गया उसको हमने यहाँ पे प्लॉट अप कर दिया, 8 बजे का भी जो लॉन्गिट्यूड था उसे भी रन कर दिया और जो ईपीआई थी उस पर भी रन कर दिया। यहाँ पे भी जो 8 बजे का पीएल आया था पहले का 8 बजे का तो उसको भी लेकर के यहाँ पे पीएल मार दिया, इसका पीएल था इसका भी ऐसे मार दिया जहाँ पे ज्वाइन किया, उस ज्वाइन से हम लोगों ने 31 मिनट्स का रन मार के ईपी निकाल लिया। फिनिश दिस वन। फिर जो ये वाला नून का था इसमें 8 बजे का हमारे पास डी आर लैट लॉन्ग था और पीएल थी, यहाँ से रन मार के हमने नून का निकाल लिया डी आर लैट और लॉन्ग। फिर उसके बाद हमने ऑब्जर्व लैट जो है वो उसी पहले वाले मेथड से कैलकुलेट कर ली थी हमने, तो ऑब्जर्व लैटिट्यूड ये मान लेते हैं नॉर्थ वाली हो गई थी। फिर हमने लॉन्गिट्यूड करेक्शन जो है वो डी लैट इंटू सी ए बी सी वाले टेबल से सी जो आया उससे कर लिया, तो जो वो नॉटिकल माइल्स में आया 1 नॉटिकल माइल, 1/2 नॉटिकल माइल, 2 नॉटिकल, वो हमने यहाँ से मार के ये पैरेलल मार के यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूड निकल जाएगी। दैट विल गिव अस द, ये जो लॉन्गिट्यूड करेक्शन है वो इस लॉन्गिट्यूड पे लगानी है ईस्ट या वेस्ट, वो इस लॉन्गिट्यूड पे लगेगी तो ये लग जाएगी और यहाँ पे जो है वो हमारी ये वाली पोजिशन आ गई लून की। सो दैट्स इट।